मगर शर्त यह है कि उस चीज का वजूद तुम्हें मेरे नबी से पहले दिखाना पड़ेगा। अल्लाह जाने आप समझ रहे हैं क्या 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 चीज चीज भी अगर तुम ये कहोगे अब्बास न दोते जवान किसने दिया, मुस्तफा को कमाल किसने दिया, अच्छा नमाज किसके लिए पढ़ते हो, रोजा किसके लिए रखते हो, हज में किसके लिए जाते हो, सजदा किसकी राह में करते हो, ज़कात किसकी राह में निकालते हो, तो दुनिया का एक अरब मुसलमान मिलकर मुझे जवाब देगा, मौलाना नमाज अल्लाह के लिए, रोजा अल्लाह के लिए, हज अल्लाह के लिए, ज़कात अल्लाह के लिए, इबादत अल्लाह के लिए, तिलावत अल्लाह के लिए, जमीन अल्लाह ने बनाई, आसमान अल्लाह ने बनाया, चांद को रोशनी अल्लाह ने दी, सितारों को रोशनी अल्लाह ने दी, फूलों को महक अल्लाह, सितारे अल्लाह ने बनाए, चांद तारे अल्लाह ने बनाए, माह तारे अल्लाह ने बनाए, इंसानों को अल्लाह ने पैदा किया, फरिश्तों को अल्लाह ने पैदा किया, जिन्नों को अल्लाह ने पैदा किया। मैंने कहा बात समझ में आ गई ना कि दुनिया अल्लाह की, दीन अल्लाह का, शरीयत अल्लाह की, काबा अल्लाह का, कुरान अल्लाह का, इस्लाम अल्लाह का, कानून अल्लाह का। मैंने कहा बात समझ में आ गई, जब सब कुछ अल्लाह का है तो बात भी अल्लाह की चलेगी, मुल्ला की नहीं चलेगी। माशाल्लाह माशाल्लाह सब कुछ अल्लाह का है तो बात किसकी चलेगी, अल्लाह की ना। मैंने कहा परवरदिगार मुल्ला कह रहा है किताब का हुक्म, तू क्या कहता है? कहा मैंने तो कुरान में ही बता दिया कि किताब से पहले नूर को उतारा, इसलिए कि जब तक नूर समझ में ना आ जाए किताब समझ में नहीं आ सकता, इसलिए कि ये कोई कोई मामूली किताब नहीं है, ये बंदों की लिखी हुई किताब नहीं है, ये मिर्जा गालिब की गजल नहीं है, ये अल्लामा इकबाल की नजम नहीं है, ये विलियम शेक्सपियर की पोएट्री नहीं है, ये लेनिन और कार्ल मार्क्स की थ्योरी नहीं है, ये न्यूटन का लॉ नहीं है, ये अल्लाह की किताब है। तो परवरदिगार तू ही बता दे तेरे किताब की अजमत क्या है, तेरे किताब का मकाम क्या है, तेरे किताब का मर्तबा क्या है, ताकि जब किताब की बुलंदी समझ में आ जाए तो मुसलमान ये भी समझ ले कि जब किताब इतनी बुलंद है अल्लाह जाने साहिबे किताब कितना बुलंद होगा, अल्लाह जाने वारिसे किताब कितना बुलंद होगा। तो अल्लाह कुरान में ही फरमाता है कि देखो अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर उतार देते तो पहाड़ के सीने में इतनी ताकत नहीं थी कि कुरान का वजन उठा पाता, क्या होता माबूद? अल्लाह कह रहा हशियत इलाही किताब ना लाकर अगर मैं कुरान को पहाड़ के सीने पर उतार देता तो पहाड़ का सीना फट जाता, पहाड़ रेता रेता हो जाता, पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाता। मैंने कहा मुसलमानों अपने नबी की अजमत पर जान कुर्बान कर दो। अरे वो कुरान जो पहाड़ पर उतरता तो पहाड़ का सीना फाड़ जाता, अल्लाह ने उस कुरान को मुस्तफा के सीने पर उतारा। अल्लाह ने वो कुरान जो पहाड़ के सीने पर उतरता तो सीने पहाड़ शिकस्ता हो जाता, अल्लाह ने उस कुरान को मुस्तफा के सीने पर उतारा। अल्लाह जाने वो सीना कितना मजबूत होगा। तो किताब बगैर नूर के समझ में नहीं आ सकती। एक छोटी सी मिसाल दे दे, ये लाइट जल रही है ना, ये चारों तरफ इतनी रोशनी है बनती है, सबक क्या है? लाइट जल रही है भाई, ये रोशनी ये लाइट क्या है? ये है मजाजी नूर। मजाजी नूर यानी आर्टिफिशियल लाइट। इसको दुनिया वालों ने इलेक्ट्रिसिटी के दरिया इन्वेंट किया है, ये दुनिया वालों की ईजाद है। तो भाई ये चारों तरफ नूर मौजूद है, मजाजी नूर चारों तरफ है। अब ये बताओ ऐसे में अगर मैं किसी जवान को, किसी बच्चे को, किसी बुजुर्ग को कोल
किताब पढ़ने को दे दे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथ, मंतिक, रिजाद, हदीस, मुराद पढ़ोगे ना भाई, सब पढ़ लेंगे। क्यों भाई? इसलिए कि रोशनी मौजूद है, नूर मौजूद है। तो जब नूर मौजूद है तो कोई भी किताब पढ़ी ना सकती है। पर अगर यहाँ लोड शेडिंग हो जाए, नूर चला जाए, अब किताब पढ़ कर बताओ। अरे अब तक समझ में बेवकूफों को यही बात नहीं आई कि जब तू दुनिया के मजाजी नूर के बगैर दुनिया की किताब नहीं पढ़ सकता, तो अल्लाह के हकीकी नूर के बगैर अल्लाह की किताब क्या पढ़ेगा? क्या बात है, क्या बात है! अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, यारे, 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 नूर किताब होगी। अल्लाह कह रहा है मैंने सबसे पहले नूर को उतारा। बेशक बेशक, अल्लाह अकबर। इसीलिए जब मेरे नबी से पूछा गया ना, या रसूल अल्लाह, आका, अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा किया, किस शय को पैदा किया, तो मेरे आका ने फरमाया अव्वलु मा खलक अल्लाह नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। वाह 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 वाह, सबसे पहले नूर मुस्तफा को पैदा किया। और बताया अफसोस क्या है, मेरे नबी के नूर का इनकार गैर कौम नहीं करता, खुद मुसलमान करता। जिनके फूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई, घर के चल जा। भाई मेरी बात थोड़ी कड़वी हो रही है, लोगों को बुरी लगती है। हाँ बेशक, बात याद रखना जवानों, जितने जल्दी कड़वा घोट निकलोगे उतने जल्दी शिफा पाओ। क्या बात है, शुगर लोगे तो शुगर के मरीज हो जाओगे, कड़वी घोट लो लो तो शिफा पाओगे। हजरत अली फरमाते हैं कि शहद के अलावा हर मीठी चीज में जहर है, और जहर के अलावा हर कड़वी चीज में शिफा है। सुभान अल्लाह, कड़वी घोट लेने के आदि हो जाओ। बेशक बेशक, असल में मसला ये हमारे नौजवानों को मीठा कैप्सूल दे दे के मरीज बना दिया। क्या बात है, इसलिए जिसका जो मन चाह रहा है वो वैसे करता है। तवज्जो कीजिएगा, तो कड़वी चीज निकलने की आदत है, गैर का ये इतराज करता नबी के नूर होने पर, अपना इतराज करता। अपने लोग बहस करते हैं वो नूर है कि नहीं। अरे नबी फरमा रहे अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया है? और अल्लाह कुरान में कह रहा है इंकाना ले रहमान ने बना दो 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 फराना अवन अवली। ऐ मेरे हबीब, जो लोग कहते हैं कि अल्लाह का बेटा, जो लोग ईसा अलैहि सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं, उनसे कहो इंकाना ले रहमान ने बना दो दो, अगर अल्लाह का कोई बेटा होता तो मेरे हबीब आप कह दीजिए फआना अव्वलुल आबिदीन, सबसे पहले इबादत गुजार तो आप हैं। नहीं पहुंचा मेरा मजमा में क्या कहना चाह रहा, अल्लाह क्या कहना चाह रहा, अल्लाह कह रहा मेरे हबीब कह दीजिए लोगों से सबसे पहले इबादत गुजार आप हैं। क्यों? इसलिए कि वही अल्लाह कहता है कि कायनात का चप्पा चप्पा, कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह की इबादत कर रहा है। राहत में अल्लाह की इबादत कर रहा है, चिड़िया अपनी चहचहात में अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, पत्थर, समंदर, दरिया, पानी, हवा, हवा, नूर, रोशनी, आग, मिट्टी, जर्रा, जीव, इंसान, फरिश्ते, सब अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। हर शय अल्लाह की इबादत कर रही है, तवज्जो कीजिएगा, हवा भी अल्लाह की इबादत कर रही है, जमीन भी अल्लाह की इबादत कर रही है, आसमान भी अल्लाह की इबादत कर रही है, मिट्टी भी अल्लाह की इबादत कर रही है। और अल्लाह कह रहा है मेरे मुस्तफा सबसे पहले इबादत गुजार आप हैं, तो इसका मतलब यह है कि जब मिट्टी नहीं थी तब भी मेरे नबी का नूर था, हवा ना थी मेरे नबी का नूर था, आसमान ना था मेरे नबी का नूर था, जमीन ना थी मेरे नबी का नूर था। Yeah!
इसका मतलब यह है कुछ ना था मेरा नबी था। बेशक एक जुमला कह दूं, किसी ने मुझसे पूछा मौलाना तो क्या था, मैंने कहा जब लफ्ज़े था खुद ना था मेरा नबी था। लफ्ज़े था उर्फ ना थे, किताब ना थी, सब्जेक्ट ना था, सिलेबस ना था, आलिम ना था, कुछ नहीं था, मेरा नबी था। और ये कुरान है फाना बल्ला बदी, सबसे पहले इबादत गुजार आप है मुस्तफा। तवज्जो, तो आप कुछ लोग हमें कहते कि नहीं अच्छा डाटा कि अल्लाह ने फिर मेरे आका को काहे से पैदा किया, तो कोई कहता है मिट्टी से पैदा किया, कोई कहता है पानी से पैदा किया, किसी ने कहा हवा से पैदा किया, किसी ने कहा आग से पैदा किया। तो मैंने कहा ठीक है मेरे भाई, हम सूफी लोग हैं, हम झगड़ा नहीं करते, तुम जिस चीज से कहोगे क्या चलाने उसे, मगर शर्त यह है कि उस चीज का वजूद तुम्हें मेरे नबी से पहले दिखाना पड़ेगा। तो फिर मिट्टी नबी से पहले होगा, अगर तुम कहोगे हवा से पैदा किया तो हवा मुस्तफा से पहले होगा, अगर तुम कहोगे आग से पैदा किया तो आग मुस्तफा से पहले होगा। और अल्लाह कह रहा है हर चीज से पहले मेरा मुस्तफा, फाना अव्वलुल आबदीन। तो भाई जब मुस्तफा को सबसे पहले पैदा किया तो अब सवाल उठता है कि मिट्टी नहीं थी, हवा नहीं थी, आग नहीं था, पानी नहीं था, चीज मुस्तफा से पहले थी उसी चीज से अल्लाह ने मुस्तफा को पैदा किया। तो मुस्तफा से पहले सिर्फ अल्लाह था, तो अल्लाह क्या है? अल्लाह कुरान में कह रहा है अल्लाह हो नूर समावती वल अर्थ, अल्लाह आसमान और जमीन का नूर है। तो जब मुस्तफा से पहले सिर्फ नूर था तो अल्लाह ने नूर से नूर को पैदा किया। जब नबी के अच्छा पहले सिर्फ नूर इलाही है तो फिर मानना पड़ेगा ना कि नूर से ही पैदा किया है। अच्छा, तकरीबन आज से 11-12 साल पहले इसी नूर के टॉपिक पर मेरी बहस हुई। किससे बहस हुई ये मत पूछिएगा। मैंने कहा ना हम बीमार का नहीं बीमारी का दुश्मन बन, हमें बीमारी मिटाना है बीमारों को नहीं मिटाना है। अगर राजा आकर बीमारों को मिटाना चाहते तो भारत साफ हो जाता। राजा ने भारत से बीमारों को नहीं बीमारी को मिटाया। सही बात। तो जो सूफी होता है वो बीमारी का दुश्मन होता है बीमार का नहीं। मत पूछना कभी किससे बहस इसी टॉपिक पर। नबी के नूर होने पर रात भर बहस हुई, मैं दलील पे दलील देता गया, आपस से हदीस से रिवायत से मंतिक से हर एंगल से, मगर वो आखिर में आके सुई अटक जाती है उनकी। आप समझ गए होंगे इशारा करूंगा, सब समझ गए। लोगों की एक सुई अटक जाती है और वो कहां अटकती है क्या कुरान में दिखाई है। अच्छा, अगर इनसे पूछो कि कुरान में अपने दादा का नाम दिखा दो तो ये पता चल जाएंगे कुरान में हर कुछ है, मगर कुरान माथे की आंखों से सिर्फ नजर नहीं आता, दिल की आंखों से नजर आता। कुरान के लिए बसारत नहीं बसीरत चाहता। सिर्फ बसारत से कुरान देखोगे तो नजर नहीं आएगा, कुरान को बसीरत से दिल की आंखों से देखना पड़ेगा। हर कुछ है कहा के नहीं, नहीं, नहीं। हमें कुरान से दलील दे दीजिए। नबी के नूर होने पर तो हम मान लेंगे। तो मैंने कहा तुमने क्या समझा है, पूरा कुरान तो मेरे मोहम्मद का कसीदा है। मैंने कहा सुनना चाहता है तो सुन। अल्लाह कुरान में कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबशिरन व नदीरन व दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। अल्लाह कह रहा है मेरे मुस्तफा, हमने आपको नबी बनाकर भेजा, हमने आपको रिसालत देकर भेजा, मुबशिरन हमने आपको बशारत
देने वाला बनाकर भेजा, शाहिदन हमने आपको गवाही देने वाला बनाकर भेजा, नजीरन बदायन अल्लाह ही भेज नहीं, और हमने आपको अपना पूरा इज्न देकर डराने वाला बनाकर भेजा, वसराजन मुनीरा, और हमने आपको नूर बांटने वाला चराग बनाकर भेजा। अल्लाह कह रहा है मेरे हबीब सिराजन मुनीरा, हमने आपको नूर बांटने वाला बनाकर भेजा, नूर बांटने वाला चराग बनाकर भेजा। अब वो समझ गए ना, वो इतनी आसानी से कैसे कहने लगा हाँ बात सही है, कुरान की आयत है, अल्लाह कह रहा है सिराजन मुनीरा, ए मेरे मुस्तफा हमने आपको नूर बांटने वाला बनाकर भेजा। हम भी मानते हैं कि हमारे नबी नूर बांटने वाले हैं, मगर ये बताइए कि अल्लाह ने ये तो कहा कि नूर बांटने वाला बनाकर भेजा, अल्लाह ने ये कब कहा कि आपको नूर बनाकर भेजा? मैंने कहा वही बात हो गई ना, पूरी तौरात पढ़ के पूछ रहा है मूसा साहब, पूरी बाइबल इंजील पढ़ के पूछ रहा है ईसा साहब, तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह ने ये तो कहा कि आपको नूर बांटने वाला बनाकर भेजा, ये कब कहा कि आपको भी नूर बनाकर भेजा? मैंने कहा सुन, अभी यजीदी कारखाने में सवाल ही नहीं बना जिसका जवाब हुसैनी ना दे सके। क्या बात, अब जो जवाब दिया गया वो जवाब यहाँ देने लगा हूँ भाई, मान लो ये मेहंदी बना रहे यहाँ पर कुछ भिखारी आ गए, अब उन भिखारियों को ये शान शमशेर ये लोग अपने जेब से, नौजवान अपने जेब से नोट निकाल के देने लगे। अब इंसाफ से बताओ, क्या तुम भिखारियों को और शानू को एक जैसा समझोगे? नहीं ना मौलाना, इसलिए कि जो भीख लेने वाला और होता है, भीख देने वाला और होता है, जो खुद भिखारी हो तो दूसरों को भीख नहीं देता, नोट वही बांटेगा, दौलत वही बांटेगा, पैसा वही बांटेगा जो खुद पैसे वाला हो। मैंने कहा तुझे बात समझ में नहीं आई अब तक, नूर वही बांटेगा जो खुद नूर वाला हो। क्या बात है, क्या बात है, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह, नूर वही बांटेगा ना जो खुद नूर वाला है। क्या भाई हके बता, जो कंगाल होगा भीगेगा भी नहीं ना, पैसे बांटने के लिए खुद पैसा वाला होना पड़ता है, बेशक। तवज्जो, कहते हैं ना चैरियारी बिगिन सेट फो, घर में दाल चावल चल रहा है और मोहल्ले को बिरयानी बांटो, अल्लाह को ऐसी इबादत नहीं पसंद है। पहले गरीब रिश्तेदारों को सुनो, भीख देने का भी सदके का भी तरीका सुन लो, हम लोग फौरन सोचते हैं कोई भिखारी को बुला के, नहीं पहले अपने गरीब रिश्तेदारों को ढूंढो, तुम्हारे रिश्तेदारों में कोई याले। याले। जो परवरदिगार कयामत तक, कौन है शैतान? कुरान पढ़ो, अलम आहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला तअबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो जो अल्लाह कयामत तक अपने दुश्मन को जिंदा रखने की ताकत रखता है, तो मेरा मोहम्मद कौन है? अल्लाह कह रहा लौ ला का लिमा खलकतुल अफलाक, मुस्तफा अगर आप ना होते तो कायनात ना हो। वाह 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 वाह, मैंने कायनात बनाई आपके सदके में। तो जो अपने दुश्मन को महशर तक कयामत तक वक्त मालूम तक जिंदा रखे, वो अपने दोस्त को जिंदा नहीं रख सकता। अब बजाही की बात करता हूं, बजाही यानी जो देखने में नजर आए, है ना? आप लोग कभी कोई सवाल पूछता है, कोई सवाल कोई मसला दरपेश आता है, आते हैं ना उलमा के पास, आते हैं अपने अपने पीर के पास जाते हैं, सवाल करते हैं, क्यों? क्योंकि वो नजर आता है। अच्छा, पीर का अगर इंतकाल हो गया तो फिर किससे पूछोगे? कब पीर के जानशीन से पूछेंगे, उनकी औलाद से पूछेंगे। पूरी तवज्जो करना मैं जो बात बोल रहा हूं। तो मेरे नबी ने बज़ाहिर मर्दा कर लिया, यानी
हम अपनी खुली आंखों से नबी को नहीं देख सकते, मगर अल्लाह कुरान में कह रहा है कि कुरान अकेला नहीं रह सकता, कुरान के साथ कयामत तक नूर रहे। तो अब सवाल यह है कि जब मेरे नबी ने पर्दा कर लिया तो क्या 1400 साल से कुरान अकेला है? नऊज़ बिल्लाह, तो फिर तुझे कहां ले जाओगे आयत को? अल्लाह कह रहा है हमेशा नूर व किताब दो चीजों को भेजा है कयामत तक। तो अब सवाल यह है कि जब नबी ने पर्दा कर लिया और कुरान अकेला नहीं रह सकता, तो फिर नबी के बाद कुरान तो मौजूद है, नूर कौन है? सवाल तो यहां आकर अटकता है कि किताब के साथ नूर कौन है? तवज्जो, बहुत तेजी से गुजर रहा हूं। यही सबब है कि मेरे नबी ने आका ने अपनी जिंदगी में कुल एक हज किया। कितना हज किया मुसलमानों? एक सिंगल, द फर्स्ट एंड द लास्ट, वही पहला वही आखिरी हज। एक बात समझ में आई, हाजी बनना सुन्नत रसूल है। अब एक बात मैं बोलूंगा हिस्से से, कुछ लोग सुनेंगे बहुत जोर से। हक है, हक है। हाजी बनना तो सुन्नत रसूल है, मगर अलहाज बनना सुन्नत रसूल नहीं है। अब समझ गए होंगे जहां इशारा जा रहा। पड़ोस का बच्चा भूखा रो रहा है, ये हर हज पे हज पे जा रहे हैं। अल्लाह ऐसे हज को मुंह पे मार देगा। सही सही। पड़ोस के मुसलमान के पास इतने पैसे नहीं कि बेटी की शादी दे। अब तुम हज पे हज किए जाओगे ना, अल्लाह तुम्हारे हज को मुंह पे मार देगा। इसलिए कि हज जिंदगी में एक मरतबा वाजिब है, फर्ज है, और वो भी हर किसी पे नहीं, दौलतमंद पर। एक सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूं, हज किस पर वाजिब है, फर्ज है। हज उस पर फर्ज है कि जो जो हज करने जाए तो उसके दिमाग में ये टेंशन ना हो कि घर जाने के बाद मेरे घर का खर्च कैसे चलेगा। उस मालदार मुसलमान पर हज फर्ज है। एक बार अदा हो गया हुकूकुल्लाह, अल्लाह ने बंदों पर खाली हुकूकुल्लाह नहीं, हुकूकुल इबाद भी रखा है। हुकूक लिबाद यानी बंदों के हुकूक, माँ बाप के हुकूक, पड़ोसी के हुकूक, भाई के हुकूक, बहन के हुकूक, बीवी के हुकूक, बच्चों के हुकूक। माँ बाप घर में बीमार पड़े हुए और तुम चल जल्दी निकल जाओ। अब मैं नाम नहीं लूंगा कौन निकलता है। मैंने कहा ना बीमार के लिए बीमारी के लिए। अल्लाह को ऐसी इबादत पसंद नहीं है। अल्लाह कह रहा है फिर हम हमा कमा रब यानी सजीरा। अल्लाह ने वालिदैन को रब सजीर बना दिया, पहले माँ बाप को राजी कर फिर अल्लाह को राजी कर। सजदे करते करते पेशानी काली कर लो, पर अगर घर में आकर बाप को लात मारता है या माँ को गाली देता है, खुदा तेरे सजदों को तेरे मुंह पर मार मार। आप मालूम है पूरे कुरान हुकूकुल्लाह का जिक्र है 300 मरतबा। हुकूकुल्लाह का जिक्र कितने मरतबा? 300 मरतबा। और जाकर कुरान पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह 6666 आयतों में पूरे कुरान में हुकूकुल इबाद का जिक्र 1700 मरतबा है। 1700 times बंदों के हुकूक, माँ बाप के हुकूक, दोस्त के हुकूक, पड़ोसी के हुकूक, रिश्तेदार के हुकूक, बीवी के हुकूक, 1700 मरतबा। अल्लाह अपने हुकूक तो माफ भी कर देगा, माँ बाप के हुकूक माफ नहीं करेगा। जितने सजदे कर लो, अल्लाह कह रहा माँ बाप के सामने उफ ना कर। और अब हमारे मुआशरे में तो क्या नहीं होता है ये सोचो, सब बाहर में जाकर सबसे मुस्कुरा कर मिलोगे और घर में आकर बीबी को गाली दोगे ना, तो अल्लाह तेरी इबादतों को तुम्हारे मुंह पे मार देगा। मुझसे अक्सर नौजवान पूछते हैं मौलाना लोग मेरी इज्जत नहीं करते, लोग सोसाइटी में मोहल्ले में मेरी इज्जत नहीं करते। मैं उनको एक बात कहता हूँ, घर में अपने बीवी को इज्जत दो, अल्लाह तुम्हें मोहल्ले में इज्जत दे दे। घर में अपनी औरतों को, अपनी माँ को, अपनी बेटी को, अपने बहन को, अपनी बीवी को इज्जत दे। तू बाहर में जुए में हार गया, इसमें तेरी बीवी का कसूर नहीं है। बिजनेस में लॉस हो गया, तेरी बीवी का कसूर नहीं है। वो तो दिन भर तेरे बच्चों को खिला रही थी, तेरे लिए खाना पका रही थी, चूल्हे में अपना चेहरा जला रही थी, तेरे गंदे कपड़े धो रही थी, और दिन भर के बाद वो सिर्फ इस इंतजार में रहती है कि रात में मेरा शौहर आए तो मुझे मुस्कुरा कर देखे।
उसकी सारी थकन मिट जाती है, मगर मनहूस बाहर बाहर खाते आता है, घर में बीवी को मारता है। ऐसे लोग समाज में जलील होते हैं, जो बाहर बाहर गीदड़ होते हैं, घर में आके शेर बन जाते हैं। घर में औरतों को इज्जत देकर देखो, देखो अल्लाह तुम्हें इलाके में इज्जत दे। तो बात कर रहा था मैं कि कुरान के साथ हमेशा यूं रहे, यही वजह है कि मेरे नबी ने एक हज किया अपनी जिंदगी में, सन 10 हिजरी में एक हज किया। और जब हज करके नबी लौट रहे थे तो मक्का और मदीने के बॉर्डर में सरहद में एक मैदान पड़ता है, उस मैदान का नाम है वदीर होम। अच्छा ये नाम भी ऐसा है कि मुनाफिक जलबला जाता है। अल्लाह के रसूल के साथ कमोबेश 126,000 सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह तआला अजमईन मौजूद थे। 126,000 कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एंड हिज फैमिली, 126,000 सहाबा, 125,000 मुसलमान मेरे नबी के साथ मौजूद है। आका ने काफिला ठहराया, सारे मुसलमानों को सहाबा को रोका, मेरे नबी ने एक बहुत बड़ा मिंबर बनाया। कहे का मिंबर, ऊंट के पालानों का मिंबर, ऊंट के कजाबों का मिंबर, ऊंट के ऊपर जो गद्दा रखा होता है ना जिसमें बैठा जाता है। नबी ने सहाबा को हुक्म दिया अपने अपने ऊंट के कजाबों को उतारो, मिंबर बनाओ। बहुत बड़ा मिंबर बनाया गया, अल्लाह के रसूल उस मिंबर पर चढ़े और चलने के बाद मेरे आका ने बहुत फसीह बली बड़ा खुतबा दिया। वो खुतबा सहाय सित्ता में बिदुबहल सुन्नत में मौजूद है, अगर अभी पूरा खुतबा पढ़ूंगा तो फजर तक मुझे तकरीर करनी पड़ेगी। मैं लास्ट का पैराग्राफ, सिर्फ लास्ट का पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ और अपने टॉपिक से उसको रिलेट कर दूंगा। नूर और किताब जहन में रखना, कयामत तक हिदायत के लिए नूर और किताब अल्लाह ने भेजा। अब जब मेरे नबी ने खुतबा दे दिया तो देने के बाद आखिर में मेरे आका ने कहा कि मेरे सहाबा, मेरे मुसलमान, अब वो वक्त करीब आ गया कि मैं अपने रब से मुलाकात को चला जाऊं। तो सहाबाए कराम के दिल की मोहब्बत आंखों से आंसू बनकर छलक पड़ी। सहाबा ने पूछा, मुसलमानों ने पूछा, या रसूल अल्लाह आप हमें छोड़कर जा रहे हैं, आप हमें अकेला छोड़कर जा रहे हैं, हम आपके बाद किसका दामन पकड़ेंगे? नूर और किताब जहन में रहे, हम आपके बाद किसका दामन थामेंगे, आपके बाद किसका दामन पकड़ेंगे? मेरे आका ने कहा कि तुमने कैसे सोच लिया कि मैं कयामत तक अपनी उम्मत को अकेला छोड़कर जा सकता? सहाबा ने कहा तो या रसूल अल्लाह आपके बाद हम किसका दामन पकड़ेंगे? सहाय सित्ता की दो बड़ी किताबें, मुस्लिम शरीफ तिर्मिजी शरीफ, और उसके अलावा कुतुबे अहले सुन्नत में कसरत से इस हदीस को लिखा गया है। इमाम अहमद बिन हम्बल से लेकर इमाम मुस्लिम तक, इमाम मुस्लिम से लेकर इमाम तिर्मिजी तक, इमाम तिर्मिजी से लेकर इमाम फखरुद्दीन राजी तक, इमाम फखरुद्दीन राजी से लेकर इमाम जलालुद्दीन सुयूती तक, इमाम जलालुद्दीन सुयूती से लेकर इमाम हाकिम नेशापुरी तक, इमाम हाकिम नेशापुरी से लेकर इमाम तबरानी तक, इमाम तबरानी से लेकर इमाम तबरी तक, इमाम तबरी से लेकर मुल्ला साले कशफी अल सुन्नी अल हनफी अल तिर्मिजी तक, मुल्ला साले कशफी से लेकर उबैदुल्लाह अमृतसरी तक, उबैदुल्लाह अमृतसरी से लेकर सैयद अली हमदानी तक, सैयद अली हमदानी से लेकर शेख सलमान हनफी रहमतुल्लाह तक, सब ने अपने किताबों में कसरत से इस हदीस को लिखा। मेरे जैसे स्टूडेंट तालिब इल्म के पास 55 मुस्तनद किताबों के हवाले, 55 अभी नाम लेता जाऊंगा तो एक घंटा लग जाएगा। हदीस क्या है, दो बड़े हवाले दे दिए मैंने, मुस्लिम शरीफ तिर्मिजी शरीफ, तवज्जो, 6 बड़ी किताबें से आए सिता, उसमें से 2 अहम किताबें मुस्लिम शरीफ तिर्मिजी शरीफ। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह हम आपके बाद किसका दामन पकड़ेंगे? मेरे आका ने फरमाया आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी तारिकुन फी मुस्तकलैन किताब अल्लाह व इबरती अहले बैती, मैं अपने बाद 2 भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब है कुरान मजीद और दूसरी मेरी इबरत मेरे अहले बैत। Yeah!
सकलैन कहते हैं, सिकल कहते हैं अरबी में, सिकल कहते हैं बदन को वेट, और सकलैन कहते हैं दो बराबर का वेट, दो बराबर। तो मौला अली शेर खुदा कहते हैं कि चलो चलकर नबी से ही मालूम करते हैं, आका से ही पूछते हैं कि आका दादा मोहब्बत किससे करते हैं, आपसे या मुझसे। तो जनाबे सैयदा फातिमा ज़हरा और मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम दोनों आए अल्लाह के रसूल के पास, मेरा नबी तो वो नबी है जो आने वाले के दिल के हालात को भी जानता है। नबी अली और फातिमा को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। इतने में अली और जनाबे फातिमा आई, सलाम किया, जनाबे सलाम मिला, जनाबे सैयदा ने कहा बाबा मेरे और अली के बीच में गुफ्तगू हो रही है। कहा कैसी गुफ्तगू फातिमा? कहा गुफ्तगू ये हो रही है कि हम लोग जानना चाहते हैं कि आप मुझसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं या अली से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। सुनना क्या जवाब दिया मेरे नबी ने? मेरे नबी ने फरमाया फातिमा मैं इज्जत ज्यादा अली की करता हूँ और मोहब्बत ज्यादा तुम से करता हूँ। परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फिकार हैदरी नारे। क्या जवाब दिया अल्लाह के रसूल ने? माशाल्लाह माशाल्लाह। फरमाते हैं इज्जत ज्यादा अली की और मोहब्बत ज्यादा फातिमा से करता हूँ। यही आज हमारे समाज में यही चलन चला आ रहा है, बेटी से मोहब्बत की जाती है, दामाद की इज्जत की जाती है। वाह वाह। इज्जत ज्यादा अली की करता हूँ और मोहब्बत ज्यादा फातिमा से करता हूँ। तो सुनो हुसैन या हुसैन मौला हुसैन या हुसैन।